हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? YouTube वर्सेस TikTok। हे चैनल, वेलकम टू माय गाइस। हे वेलकम चैनल टू माय गाइस। हे गाइस चैनल टू माय वेलकम। यूट्यूबर्स वर्सेस टिकटॉक की आजकल जंग छिड़ी हुई है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपना थोड़ा सा हिस्सा डाल दूं। टिकटॉक जहां पर लोग लिपस्टिक लगाकर 15 सेकंड की वीडियो बनाते हैं, और दूसरी तरफ है यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे डायलॉग्स, बहुत सारी एक्टिंग, बहुत अच्छी क्वालिटी वाला कैमरा, बहुत सारी एडिटिंग, दिन रात की मेहनत, बहुत सारे दिनों की मेहनत, और फिर जाके बनती है 1-10 मिनट की वीडियो, और फिर अपलोड करना, और अगर नेट वीक हो तो 1-2 घंटा लग ही जाता है। उसके बाद थंबनेल बनाना, वीडियो टाइटल लिखना और बहुत कुछ होता है। कैसे यार आप इसको टिकटॉक के साथ कंपेयर कर सकते हो? फिर कहते बूटा गाला कट दे। और अभी तक तो यूट्यूबर ही टिकटॉकर्स को रोस्ट कर रहे थे, लेकिन अभी वो जमाना नहीं रहा। अभी औरतों को भी उनका हक चाहिए, वो भी अपने हक के लिए खड़ी हो गई हैं। हाँ यार, आहार कब तक बर्दाश्त करते हैं? चलो ठीक हुआ, अभी तो बहुत सारे टिकटॉकर ने यूट्यूब को रोस्ट करना शुरू कर दिया। आमर सदीकी, जिसके घर शीशे के होते हैं ना, दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते। जिसके घर शीशे के होते हैं ना, दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते। ये क्या, ये कौन सी कहावत बोल रहा है भाई? अरे कहना क्या चाहते हो? जिनके घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका गया। अबे तुम कहावत ही गलत पढ़ रहे हो भाई, ऐसे नहीं है। ये कहावत असल में कुछ इस तरह है, जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो बेसमेंट में कपड़े बदलते हैं। समझे? नॉनसेंस। फिर कहते बूटा गाला कट दे। तो अगर हम YouTube पे आ गए ना, जिस दिन उस दिन तुम्हारा वहां से भी मार्केट खत्म हो जाएगा। कैसे? अगर हम YouTube पे आ गए ना, जिस दिन उस दिन तुम्हारा वहां से भी मार्केट खत्म हो जाएगा। लो भाई ये सच है। अगर आपके 3 कंटेंट है तो सारे यूट्यूबर्स कम्युनिटी सब वही कंटेंट कॉपी करने लग जाते हैं, वही बातें होती है। भाई बहन की वीडियो तो सब भाई बहन की वीडियो बनाएंगे, गोल्ड डिगर की वीडियो तो सारे गोल्ड डिगर्स की वीडियो बनाएंगे, मतलब भेड़ बकरी वाले। वैसे ये सोचने की बात है। अगर आपके 3 कंटेंट है तो सारे यूट्यूबर्स कम्युनिटी सब वही कंटेंट कॉपी करने लग जाते हैं, वही बातें होती है। भाई बहन की वीडियो तो सब भाई बहन के वीडियोस बनाएंगे, गोल्ड डिगर की वीडियो तो सारे गोल्ड डिगर्स के वीडियो बनाएंगे, मतलब भेड़ बकरियों वाले चाल करते रहते हो तुम लोग। खैर मैं अभी इस शख्स को आप लोगों को और नहीं दिखाना चाहता, तो मैं कुछ खुद ही एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये सच है कि आजकल 10 में से 6 लोग टिकटॉक यूज कर रहे हैं, लेकिन वो 6 के 6 क्या देख रहे हैं? वैसे तो यार जो टिकटॉक पर कामयाब हुआ उसके लिए टिकटॉक बेस्ट है, और जो यूट्यूब पर कामयाब हुआ उसके लिए यूट्यूब बेस्ट है। वैसे जब मैंने भी टिकटॉक का सुना था, मैंने भी डाउनलोड किया, साइन इन किया, 2 दिन यूज किया, फिर डिलीट कर दिया, और मुझे ये पता चला टिकटॉक और यूट्यूब में जमीन आसमान का फर्क है। ये दोनों बड़े प्लेटफॉर्म है, दोनों बुलंद पहाड़ों की मानद है, बहुत ही ऊंचे पहाड़ है जिनके ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल है। और ये किस तरह के पहाड़ है वो सुनकर आप लोगों को सब साफ साफ समझ आ जाएगी। टिकटॉक गंदगी का वो पहाड़ है जहाँ हर घर से गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। इसी तरह हर घर से कचरा आया, और ये इतना बड़ा पहाड़ बन गया कि देखने वालों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई, और ये गंदगी के पहाड़ ने सबको पीछे छोड़ दिया। फिर कहते बूटा गाला कट दे। वैसे टिकटॉक पर कामयाब होना मुश्किल नहीं है, बस बंदा बगैरत हो। जैसा कि प्यारी है ये, अभी यार इसको देख के बहुत सारे यूट्यूबर्स ने अपना दिल दे दिया, इनके घर रिश्ता भेजा, लेकिन फिर जब हकीकत सामने आई तो टिक
टिकटॉक पर कामयाब होने के लिए बस थोड़ा सा मेकअप करना पड़ता है, थोड़ा सा डांस ना भी आता हो तो चलता है, थोड़े से नकली आंसू और बस थोड़ी सी एक्टिंग, किसी की आवाज पर अपनी वीडियो बनाना। हर रोज की 5-10 वीडियो बस अपलोड करते रहो और 1 महीने में कामयाब हो जाओ। Oh my God! Wow! और भाई यूट्यूब के तो बहुत ज्यादा साहत कानून है, कसम से टिकटॉक पर तुम लोग सुनोगे तो 2 दिन के लिए टिकटॉक पर भी डरते डरते वीडियो बनाओगे। लेकिन भाई यूट्यूब पर बहुत मेहनत करना पड़ती है, मुझे ही देख लो, 4-5 साल से वीडियो बना रहा हूँ लेकिन अभी तक। कोई बात नहीं, तुम लोग हो ना मुझे सपोर्ट करने के लिए, तो इंशाल्लाह हो जाऊंगा एक दिन मैं भी। एनीवे आज के लिए इतना ही था, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।